जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। जिसने दूसरों को बदलने का प्रयास किया वो सदैव हार गया, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो निश्चित रूप से जीत गया। तो हमेशा दूसरों को बदलने का प्रयास ना करें, खुद को बदलने का प्रयास करें, जीत हमेशा आपकी होगी। चलिए चर्चा को लंबी ना करते हुए प्रारंभ करूंगा मैं मिथुन राशि के, जो हमारे प्यारे दर्शक हैं उनके लिए मई का माह किस प्रकार का रहने वाला है इस पर चर्चा करेंगे। चंद्र ग्रहण भी है खैर इस माह में, तो हम उसको लेकर के वीडियो जारी करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप उसको भी अच्छी तरीके से देख पाएं। किस प्रकार व्यतीत होगा मिथुन राशि के लिए ये माह, आइए इस पर चर्चा प्रारंभ करें। आपकी राशि में खुद मंगल का गोचर रहेगा। आपके राशि स्वामी जो बुध हैं उनका गोचर तारीख 26 तक आपके द्वादश भाव में, अपनी राशि से द्वादश भाव में रहने वाला है। यहां पर भी वो राहु के साथ पीड़ित होंगे। अगर देखा जाए 14 तारीख माह के मध्य से जाकर के सूर्य भी आकर के उनको परेशान करना शुरू करेंगे, जो कि तृतीय भाव के स्वामी हैं, और उसके साथ शुक्र भी गोचर करेंगे। तो यहाँ पर जो राशि स्वामी द्वादश भाव में पीड़ित हैं, ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। ये पूरा माह आपके लिए करीब करीब अशांति देने वाला होगा। करीब 26 तारीख तक, ये जो 26 दिन इस माह के हैं वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं होंगे। मानसिक अशांति रहेगी, बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होंगी, स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, नींद इत्यादि आने में समस्याएं होंगी, डरावने स्वप्न इत्यादि बहुत ज़्यादा आएंगे, तो उसको लेकर के मन बड़ा परेशान रहेगा, और व्यय का संयोग बनेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी आपको परेशान करेंगे। लेकिन अभी मैं, कुछ चीज़ें जब खराब होती हैं तो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं। कॉम्पटिशन इत्यादि में यदि कहीं भाग लेने जा रहे हैं तो वहाँ पर अच्छी सफलता जरूर आपको प्राप्त होगी। जो विरोधी लोग आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे उनको कहीं ना कहीं आप भयभीत कर पाएंगे। कुछ कार्य आप ऐसे जरूर करेंगे जिसको लेकर के वो भयभीत होंगे। तारीख 26 के बाद जब खुद की राशि में पहुंचेंगे बुध, तो ऐसे कंडीशन में आपका सम्मान, आपकी यश, आपकी प्रतिष्ठा बेहतर होगी। स्वास्थ्य में चल रही जो दिक्कतें हैं वो तारीख 26 के बाद आपकी निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगी। वैवाहिक परिस्थितियां भी आपकी अच्छी होंगी, क्योंकि मंगल का जो गोचर है वो आपकी राशि में रहेगा। मंगल का गोचर राशि में रहने के कारण क्रोध बहुत अधिक उत्पन्न होगा, और मंगल की जो दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली है, अष्टम भाव पर पड़ने वाली है। अष्टम भाव में खुद शनि गोचर करेंगे, तो इस कारण से चोट इत्यादि लगने का जो संयोग है, दुर्घटना इत्यादि का संयोग है, वो इस माह दिख रहा है। तो तारीख 26 तक अपने क्रोध पर बहुत कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। बिना विचारे किसी कार्य पर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ तारीख जब 26 व्यतीत होगी, बुध आ जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतें, समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। जो 26 दिनों में परेशानियां हुई थी वो 4 दिन के अंदर आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा, और परिस्थितियां कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। 26 तारीख तक कोई भी वाहन खरीद रहे हैं या कोई भूमि खरीद रहे हैं तो बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वाहन और भूमि में धोखे होने की या मकान में धोखा मिलने का संयोग पूरी तरह से दिख रहा है। हाँ, लेकिन यदि आप ट्रांसफ़र इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं तो ये माह आपके लिए अनुकूल है। ट्रांसफ़र का संयोग निश्चित रूप से बनेगा। मदर के स्वास्थ्य में समस्याएं आने से मन बहुत परेशान होगा। इस माह यदि कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में बहुत सोच विचार करके करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम प्लान करते हैं, फोर्थ हाउस हमारे फ्यूचर प्लानिंग का भी हाउस होता है, जब भी हम लोग कुछ प्लान करते हैं तो समस्याएं आने का संयोग कहीं ना कहीं बनता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र भी द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में जो 28 तारीख, 4 तारीख के बाद और 28 तारीख से पहले मित्रों की तरफ से धोखा इत्यादि मिलने का संयोग कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो अगर किसी प्रेम को आप प्यार करते हैं या करते हैं, किसे इजहार करना चाहते हैं, तो या तो 4 तारीख से पहले करें या फिर 28 तारीख के बाद करें। इस बीच में करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए। चलिए बहुत लंबी चर्चा को ना करते हुए आज का रंग और आज अंक के अंक की बात करते हैं। नव का अंक और लाल रंग आपके लिए लाभप्रद है।
इस माह जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाएं तो ऐसे कंडीशन में चाहे जेब के अंदर लाल रुमाल ही लेकर के जाएं या लाल वस्त्र पहन करके जाएं, देखेंगे आपका समय बहुत अनुकूल होगा। परमात्मा का शुभ आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर एक नए कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय श्री राम। श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें।